नहीं आने वाला। पर वो अचानक आ गया तो उसे क्या कहोगी? देख लेना, वो नहीं आएगा। उसे लेडीबग से प्यार है, वो सिर्फ मैकरून्स खाने के लिए हमारे साथ लंच करने नहीं आएगा। उसे लेडीबग ने कितनी बार रिजेक्ट किया है, शायद उसने इरादा बदल दिया हो। कैट नोआर इरादा बदलेगा? मुझे तो यकीन नहीं होता, उसके जैसा जिद्दी और पक्के इरादे वाला कोई नहीं है। कल स्कूल में मिलते हैं। बाय नीनो, हम जल्दी मिलेंगे क्रिस। सीक्रेट मिशन पर क्रिसमस एल्फ वाकई मैरिनेट, इस बार थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? जानती हूँ टीकी, ये सब बहुत ही अजीब था, पर मैं उसे गिफ्ट्स की सच्चाई नहीं बता सकती थी। और फिर मैंने क्रिस को एक अच्छी कहानी बताई जिससे शायद वो कुछ पेशेंस सीख लेगा। पेशेंस से याद आया, मेरे पास एक आइडिया है एड्रियन के 50th बर्थडे के गिफ्ट के लिए। मेरी मदद करोगी? स्नो? मैं कितनी देर तक सोती रही? खेल खत्म सांता क्लॉज, तुम बच नहीं सकते, खुद को हमारे हवाले कर दो। सांता की करे तलाश दूर और पास, सांता की करे तलाश दूर और पास, छुपा होगा यही कहीं। फुटपाथ पर चलो, रास्ते पर चलना मना है। तुमने सांता क्लॉज को देखा? ओके, ये सिर्फ एक सपना है, मैं फिर से सो जाती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया टीकी? देखा, ये सपना नहीं है। ओह, अगर ये सपना नहीं है तो इसका मतलब ये जरूर कोई डरावनी हकीकत है। अभी जो आप देखने जाएंगे उसे साबित होता है कि पावरफुल इंटरडिमेंशनल क्रीचर्स वाकई होते हैं जो मैटर के पार जा सकते हैं, और चीज बेहद पसंद है। मुझे पहला क्रीचर मिला था सितंबर में स्कूल शुरू होते ही। कड़ी नजर रखने के बाद मुझे दूसरे का भी पता चला। मेरे पास प्रूफ है, देखो। आपको क्रीचर्स नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो शूट नहीं हो सकते, पर गौर से देखो। इन क्रीचर्स को वीडियो पर शूट नहीं कर पाई, इसीलिए उनका स्केच बनाया है। वो कुछ इस तरह दिखते हैं। ये आखिर है क्या? ये क्या है? मुझे तो ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक शो नहीं लग रहा। मिसेस मेंडेलिन, आपको इन चीज खाने वाले क्रीचर्स के होने का पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। दूसरे से कुछ नहीं छिपाते ना। मैं इस क्वामी हरकत के बारे में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और मैंने सोचा मामला सुलझ गया। प्लैग ने प्रॉमिस किया था वो मैजिक चीज नहीं खाएगा। जरा रुको, अगर प्लैग भी वही था इसका मतलब वो स्कूल में था। इसका मतलब कैट नोआर भी फ्रांसवा दुपोन का स्टूडेंट है। और अगर मुझे ये पता चल गया तो शायद कैट नोआर को भी पता चल गया कि मुझे पता चल गया कि उसे पता चल गया है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है प्लैग अच्छी चीज खाने के लिए कई मील दूर तक जा सकता है। अब मुझे हमेशा शक होगा कि तुम सच बोल रही हो या नहीं टीकी। I'm so sorry, Marinette. It's okay. जानती हूँ तुम मुझे बचा रही हो। अगर पता चला कि वो कौन है तो मुझे मेरा मिराकुलस लौटाना पड़ेगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, और उम्मीद है वो भी ना करे। इस स्टेशन पर ये अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन फ्रांस और यूके के बीच रिकॉर्ड स्पीड पर चलेगी, यानी प्लेन से भी ज्यादा तेज। पर ये ट्रेन फ्रांस और यूके के बीच सी को कैसे क्रॉस करेगी मैरिनेट? दरअसल इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल है टीकी। इसे किसी सुपर हीरो ने बनाया है? नहीं, इंजीनियर्स ने मशीनों से। इंसानों ने पिछले कुछ सालों में कितने सारे इन्वेंशन कर लिए हैं। प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता टिकी। और तुम्हें भी नहीं रोक सकता, ये स्वेटर बहुत अच्छा बनेगा। ये एक ट्रेडिशन है जानती हो, मैं हर साल डैड के बर्थडे पर उनके लिए एक स्वेटर बनाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जरूर कोई ना कोई आइडिया तो सोच ही लोगी, हमेशा की तरह। हाँ, पर काश कुछ जल्दी ही समझ आ जाए, क्योंकि उनका बर्थडे आज है। कम ऑन, मान जाइए कितने अफसोस की बात है, आज आपके बेटे का 40th बर्थडे है। और देखिए, टॉम को बड़ा अच्छा लगता अगर आप क्या दादाजी का फोन था? हाँ, मतलब इस बार भी वो नहीं आएंगे मॉम? मैंने मनाने की पूरी कोशिश की, वो आते तो तुम्हारे डैड कितना खुश होते। वो खुलकर अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते, पर मुझे पता है वो अपने डैड से ना मिलकर कितने दुखी हैं। आप क्या करें? मैं भी किसी दिन उनसे मिलना चाहूँगी। घर से बाहर निकले या किसी से मिले उनको 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। जानती हूँ, पर ऐसा क्यों? वो उनके सोचने का तरीका ओल्ड फैशन है, वो हम लोगों जैसे मॉडर्न नहीं है। पर 20 साल पहले क्या हुआ था? वेल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना हो तो अपने डैड से पूछना।
अच्छा डैड, दादाजी 20 सालों से घर से बाहर क्यों नहीं निकले? ओह, वो इसलिए क्योंकि वो ट्रेडिशंस को मानने वाले हैं, और अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो अपनी दादी से पूछ लेना। वो पुराने ख्यालों के हैं। वेल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम्हें वाकई इस बारे में जानना है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को पूछना होगा। ओके, थैंक्स दादी, आज रात को मिलते हैं। क्या है ये, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें कोई आइडिया मिल गया है। बिल्कुल सही टिकी, मैंने तय कर लिया है कि मुझे डैड को बर्थडे पर क्या देना है। मैं उन्हें और उनके डैड को एक दूसरे से दोबारा मिलवाऊंगी। मुझे दादाजी का पता मिल गया है, चलो चले। पहुँच गए, हैंडल को घुमाकर कर दूं मैं लेवल को ऊपर। टडा, ये है कैनल सेंट मार्टिन। हैंडल से लॉक खोलने पर इसका पानी ऊपर उठता है। तुम तो होशियार हो मैरिनेट। अब अपनी आंखें खुली रखो, शायद मेरा नया फ्रेंड यहीं कहीं हो। नहीं, कौन आ गया? सुपर विलेन? उससे भी बड़ा कागामी, मेरी नई फ्रेंड। कभी नहीं, वो होशियार, स्ट्रॉन्ग और क्यूट है। और वो एजेंट को पसंद करती है। वो वैसे ही फेंसिंग पार्टनर्स हैं, उनके पेरेंट्स दोस्त हैं, इसलिए अगर हम जीते तो सारा क्रेडिट उसे मिलेगा और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैं उसके साथ नहीं खेल सकती, नहीं ना, नहीं खेलूंगी, कभी नहीं। वो कितनी अजीब है। ओके, किस्मत ने उसे मेरे साथ रखा है, मुझे तो बस जीतना है। एड्रियन की पागल फ्रेंड की मदद नहीं ली तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। मैरिनेट, कागामी के साथ गलत होगा, अगर तुमने उसका साथ नहीं दिया तो वो खेल नहीं पाएगी। सच कहा, वो इतनी स्मार्ट है कि कोई तरीका ढूंढ ही लेगी, और अकेले तो वो दुगनी तेजी से खेल लेगी। इनफैक्ट अगर मैं गई तो उसे स्लो कर दूंगी। अरे हाँ, सही कहा टिकी, उसका साथ देकर मैं उसे हरा दूंगी, फिर एड्रियन उसे जीतता हुआ नहीं देखेगा और दोनों को प्यार नहीं होगा। अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना। चुपचाप टिकी, गेम शुरू होता है। तुम्हें फैसले लेना नहीं आता। हम वापस यही मिलेंगे, पर जीतेंगे हम ही। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। उसने अपना फोन तुम्हें देकर तुम पर भरोसा किया था। पर वो पूरा टाइम फोन को ही देख रही थी, मुझे जानना है क्यों? हो सकता है वो एड्रियन से चैट कर रही हो, उसे मैसेज भेज कर, ना जाने और क्या। मैरिनेट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कॉन्टेस्ट के मैसेजेस के अलावा, और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, उसकी मॉम का, यानी एड्रियन का नंबर भी नहीं है। ये कैसा ऐप है? ओह नो, तो पूरा वक्त कागामी इसी को देख रही थी। दोस्त बनाने के 30 टिप्स। अब मैं समझ गई, उसका अजीब बर्ताव, उसके अजीब से सवाल। कागामी तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। ये मैंने क्या कर दिया? ओह नो, उसके पास मेरा फोन है, अगर उसने देख लिया ना तो उसे मेरे और आलिया के बीच की चैट नजर आ जाएगी। क्या सभी इंसान दूसरों की पर्सनल चीजें छुप के देखते हैं? जल्दी भागो मैरिनेट।